हाँ जी शरीर का अर्थ नहीं सुनता है, कुछ शरीर कब बनता है, कैसे होता है, क्या चीज का होता है, ये शरीर का 5 तत्व हो गया, आत्मा अलग है, सुषमा शरीर। इंद्रियां कितनी हैं? टोटल इंद्रियां कितनी हैं? 10 इंद्रियां हैं तो, लेकिन वो तो स्थूल हैं, साकार में भी है, लेकिन उन इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला कोई मुखिया है? और वो मन सूक्ष्म है कि स्थूल है? हैं? हैं? सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म मन है, उस मन के अंदर सिर्फ संकल्प जो चलते हैं, वो संकल्पों की धारा ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। जैसे मकान बनाया जाता है तो मकान पहले स्थूल में बनता है, यह पहले सूक्ष्म में बनता है? नक्शा भी बाद में बनता है स्थूल में, पहले मन के अंदर संकल्पों की सृष्टि रची जाती है। ये जो संकल्पों की सृष्टि रची जाती है, इसी से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। ब्रह्मा द्वारा सूक्ष्म संकल्पों से सृष्टि रची गई, परंतु वो सात्विक सृष्टि रची गई या तामसी सृष्टि रची गई? ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो कौन सी सृष्टि रची गई? सात्विक सृष्टि रची जाती है। ज्ञान की धारा पवित्र ज्ञान से लेकर अपवित्रता की ओर बहती है, पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है? नीचे की ओर। ऊंची स्टेज से नीची स्टेज की ओर जाता है, ऐसे ये ज्ञान की धारा है, ऊंची स्टेज मानसरोवर से निकलता है और नीचे की ओर जाता है। ये ऊपर और नीचे के बीच में भी कोई बिंदु है जो ऊंची सृष्टि और नीची सृष्टि को डिवाइड करने वाला है। वो है त्रेता का अंत और द्वापर का आदि। जहां से दुष्ट संकल्पों की वृद्धि होती जाती है, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प बढ़ते जाते हैं और श्रेष्ठ संकल्प श्रीमत युक्त संकल्प कम होते जाते हैं, वहीं से पाप की सृष्टि का निर्माण होता है। देह अहंकार आ जाता है, उस देह अहंकार से ही सूक्ष्म चोले का निर्माण होता है।
उसे कहते हैं भूत प्रेत। नहीं तो होना चाहिए फरिश्ते, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर के श्रेष्ठ संकल्प होंगे या भ्रष्ट संकल्प होंगे? श्रेष्ठ संकल्प होते उन्हें फरिश्ता कहेंगे। पहले फरिश्ता बनते हैं फिर देवता बनते हैं। परंतु जो फरिश्ता बन नहीं पाते हैं भूत प्रेत बनकर रह जाते हैं, उनके फिर सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि देह अहंकार के कारण पाप कर्म ज्यादा करते हैं तो सूक्ष्म देह का निर्माण हो जाता है। जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है, द्वापर युग से ये भूत प्रेतों की दुनिया शुरू होती है। ये द्वैतवादी युग है, देवताएं अद्वैत होते हैं। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, बढ़िया कैटेगरी के, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उसके बाद थर्ड क्लास जो कैटेगरी आती है वो है इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि नीची कुरियों वाले। वो सभी नीची कुरियों वाले कैटेगरी के थर्ड कैटेगरी में जाते हैं, थर्ड क्लास। वो सब श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं, स्वचिंतन से परचिंतन की ओर जाने वाले हैं। स्वचिंतन में टिकना जैसे होता ही नहीं, देह का ही चिंतन करते हैं, तो भूत प्रेत बन जाते हैं। शस्त्र बनाने वाले ने मार्कंडेय बलि व्यास हनुमान विष्णु परशुराम कृपाचार्य अश्वत्थामा को चिरंजीवी लेखन। ये सब सब झूठ है, किस तरह से लड़ा सच है, कैसे बने? शास्त्र बनाने वालों ने शास्त्र बनाए, हाँ तो वो झूठे हैं या सच्चे हैं? बनाने वालों का टाइम देखना चाहिए, किस टाइम पर बनाए हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है और बाद में रजो प्रधान से नीचे उतर करके तमो प्रधान बनती है। तो शास्त्र भी पहले पहले सत्व प्रधान थे। जो आदि में बनाए हुए शास्त्र हैं उनमें सच्चाई थी, बाद में परवर्ती जो गुरु गुसाई हुए हैं उन्होंने उनके मनमाने अर्थ कर दिए, देवहन में आकर के देवहन से भरे पूरे अर्थ निकाल दिए और अर्थ की जगह अनर्थ कर दिया। नहीं तो पहले पहले हैं वेद, वो भी गीता से निकलते हैं,
वेद माने जानकारी, बाद में उन वेदों की ऋचाओं की टीकाएं हुई, टिप्पणियां हुई, व्याख्याएं हुई, उन व्याख्याओं का नाम है आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद आदि। उन वेदों की व्याख्याओं से फिर बाद में बने हैं पुराण। भागवत पुराण, महाभारत पुराण, रामायण आदि। इसलिए रामायण सबसे बाद में लिखी हुई है। बाबा ने रामायण को बोल दिया जैसे कि ये उपन्यास है। सीधा सीधा देखेंगे तो सच्चाई बहुत कम है। ये सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। ऐसे नहीं कि कोई चीज में गुण ही गुण हो, दोष न हो, या दोष ही दोष हो, गुण न हो। तो शास्त्र में भी ऐसे ही है। ये उपन्यास और ये फिल्म बाबा ने बोला ये मेंटेलिटी को बहुत गिराने वाले हैं। सबसे जास्ती मनुष्यों की मेंटेलिटी उपन्यास और फिल्मों से गिरी है, परंतु बाबा तो पुरानी पुरानी फिल्मों के गीत के ऊपर व्याख्या करते हैं। जैसे शास्त्रों का सार सुनाते हैं, ऐसे फिल्मों में भी सार है। कभी टाइम मिले तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है चंद्रकांता संतति, तो पहले उपन्यास में सात्विकता होगी या तामसी तत्व ज्यादा होगा? सात्विकता ही होगी। कैसा निरूपण किया है दो पार्टियों का, विजयगढ़ है माने विजयमालागढ़ है। उसमें दिखाया है चंद्रकांता को। नवगढ़ अर्थात रुद्रमाला का गढ़, नौ श्रेष्ठ आत्माओं का गढ़, फिर युद्ध चलती है। अभी बेसिक एडवांस में युद्ध चल रही है या नहीं चल रही है संकल्पों की? है? चल रही है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शास्त्र में झूठ ही झूठ है। अगर झूठ ही झूठ होता तो बाबा की वाणी में शास्त्रों का रेफर क्यों किया गया है? वेद और गीता में क्या अंतर है? वेद और गीता में क्या अंतर? गीता गीत है, भगवान का गाया हुआ पहला पहला गीत।
पहली पहली कविता किसने गाई होगी? पहला पहला कवि कौन होगा? वियोगी होगा पहला कवि। आह से निकला होगा ज्ञान या गान। कौन सबसे जास्ती बिछुड़ के रहता है? भगवान ही बच्चों से सबसे जास्ती बिछुड़ के रहता है। वो बड़े ते बड़ा कवि है, कौन? भगवान। तो भगवान आकर के गीत गाते हैं, वो ज्ञान का गीत है। यज्ञ के आदि में वो गीत गाया था जिससे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन हुआ। उस ज्ञान को बीज कहा जाता है। बीज से फिर सारा झाड़ तैयार होता है। हाँ, झाड़ जो है जब चार तीन ट्यूब्स निकलती हैं, चार ट्यूब्स निकलती हैं, तब झाड़ बड़ा होता है या सिर्फ थोड़ी ही थोड़ा होता है तब बड़ा होता है? तब ही बड़ा होता है। तो ये चारों वेद जैसे ट्यूब्स हैं, उनमें मुख्य है ऋग्वेद। ऋक् माने सच्चाई। इसे साबित होता है बाकी तीन वेदों में सच्चाई उतनी नहीं है जितनी ऋग्वेद में सच्चाई है। तो चार ही मुख्य धर्म है, देवता धर्म, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। वेदवाणी तब कही गई है जब उस वाणी की कापियां निकलना शुरू हुई। और पब्लिक में भी बांटी जाने लगी। पब्लिक में कब आए? है माउंट आबू से नहीं, कराची से उठ करके आए। कहाँ आए? माउंट आबू में। और माउंट आबू भी तो जंगल ही था। जंगल से भी बाहर निकले, शहरों में घुस पड़े। तो वहां वो कापियां वितरित की जाने लगी अलग अलग शहरों में। पहला पहला सेंटर तैयार हुआ कमला नगर। कमला लक्ष्मी को कहा जाता है। बाप जो ज्ञान सुनावेंगे
उस ज्ञान को प्रैक्टिकल पराकाष्ठा में कौन पहुंचाता है? ब्रह्मा पहुंचाता है, दूसरी मूर्ति शंकर पहुंचाता है, यह वैष्णवी शक्तियां पहुंचाती हैं। विष्णु देवता ही प्रैक्टिकल है, प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। तो पहला सेंटर ही खुलता है कमला नगर। सेवा का फाउंडेशन दिल्ली है, पचास 51 में आए हैं माउंट आबू में। और कब तक जीवित रहे? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो ब्रह्मा जीवित कब तक रहे? है 68, 51 से लेकर 68 कितने साल हुए? 18 साल हुए। और ब्रह्मा बाबा को चंद्र भगवान की धारणा धारणाओं का देवता माना जाता है। हाँ, तो इसे किसी को धारणा की मूर्ति है वो सब उनके द्वारा ध्यान करने आने के बाद जो भाव साफ कर्म होता है उनको सुस्वत सर धारण करता है। ऐसे रखा है मूर्ति में की धारणा का वो मूर्ति है। उनमें सहन शक्ति की धारणा नहीं थी तो फिर सिर्फ सहन शक्ति थी और वो भी थे। सभी शक्तियों का राजा कौन सा गुण है? सहन शक्ति। जितना सहन ब्रह्मा बाबा ने किया ब्राह्मण परिवार में, उतना सहन किसी दूसरी आत्मा ने करके दिखाया क्या? जगदम्बा ने करके दिखाया, वैष्णवी ने करके दिखाया, मम्मा ने करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। तो बाबा तो जितने की धारणा की मूर्ति थे, बाबा ने मूर्ति में बताया कि जो देहंकार में आकर के जरा पाप करते हैं उनको सुष्म शरीर धारण करना पड़ता है। जो देह अहंकार में आकर ज्यादा पाप करते हैं उन्हें सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। ज्ञान था उनके अंदर। आजकल के सन्यासियों में ज्यादा धारणा होती है या विद्वान पंडित आचार्यों में ज्यादा धारणा होती है? धारणा का आधार है प्योरिटी। किसमें प्योरिटी ज्यादा होती है? सन्यासियों में प्योरिटी होती है तो धारणा भी होती है, लेकिन प्योरिटी या धारणा ही सब कुछ नहीं होती है। क्या ब्रह्मा बाबा में ज्ञान था? बाप का था? नहीं था। तो दिव्य गुण धारण करने से देवता तो बनेंगे, लेकिन देवताएं डायरेक्ट बाप से प्राप्ति नहीं करते। किससे प्राप्ति करते हैं? अपने माँ बाप से प्राप्ति करते हैं। तो जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, वो ऊंचे हुए या उनसे जो पैदाइश पीढ़ी होती है वो ऊंची हुई? उन्होंने दिव्य गुण धारण किए, उन्होंने ज्ञान धारण किया, ऊंचे कौन हुए? ज्ञान धारण करने वाले ऊंचे हुए। अगर प्योरिटी ही सब कुछ है तो भगवान आकर के प्रेफरेंस से प्योरिटी वालों को दे
या इम्प्योर को दे। पतितों को प्रेफरेंस देते हैं ना, क्यों देते हैं पतितों को प्रेफरेंस? हाँ, क्योंकि जो पवित्र है ऑलरेडी बने पड़े हैं, वो संग के रंग में उतने नहीं आए हैं। जो पतित बन गए वो भारतवासी हैं, जो विदेशियों के संग के रंग में आकर पतित बने, थे नहीं पतित, लेकिन ऐसे भोले हैं कि भोलेपन के आकर्षण में आकर के पतित बन पड़े। जो चाड़ा होता है वो गिरफ्त में नहीं आता, भोला भाला गिरफ्त में आ जाता है। कन्याएं माताएं भोली होती हैं या पुरुष भोले होते हैं? कन्याएं माताएं भोली भाली होती हैं तो गिरफ्त में आ जाती है। बाबा मोदी में मान सरोवर के नाम आती है और भक्ति मार्ग में ब्रह्म सरोवर का भी नाम आता है, तो ब्रह्म सरोवर और मान सरोवर में क्या अंतर है? ब्रह्म सरोवर नीचे है और मान सरोवर ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि जहां का ज्ञान जल पारदर्शी है। गहरा होते हुए भी बॉटम दिखाई पड़ता है, नाम मात्र को धूल नहीं है। नहीं तो पानी में देह अभिमानी की धूल जरूर मिल जाती है, कुछ नहीं तो हवा के कण आकर के धूल मिला देते हैं। वहां मान सरोवर ऐसी हवाएं भी नहीं पहुंचती, हवाओं का भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जो धूल पहुंचे। धूल की दुनिया से ही बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर। ब्रह्म सरोवर धूल की दुनिया से कनेक्टेड है? ब्रह्म सरोवर है धूल की दुनिया से कनेक्टेड है? ये ब्रह्म शब्द जो है वो जड़त्व के लिए यूज किया है या चैतन्य के लिए यूज किया है? जड़त्व है, जड़त्व में धूल हो सकती है। क्योंकि शरीर जड़ है, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का आपसे क्या है? सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का ग्रहण माने ग्रस्त लेना, उसको कंट्रोल कर लेना। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य तो आग का गोला है, जो स्वयं आग का गोला है उसके ऊपर परछाया पड़ सकती है? है नहीं पड़ सकती। कहा जाता है सूर्य ग्रहण वास्तव में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या हम बेहद की बात समझें, यहां चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा आ जाता है। पृथ्वी माने कन्याएं माताएं रूपी धरणी, तो सूर्य के बीच सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है
तो चंद्रमा का छाया कन्याओं माताओं के ऊपर पड़ता है या चंद्रमा का छाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा? कन्याओं माताओं के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, परछाया में आ जाती है। किसके परछाया में आ जाती है? चंद्रमा की परछाया में आ जाती है। जैसे ओम राधे जगदम्बा का जब पार्ट बजाती है तो अभी किसके परछाई में है? चंद्रमा के परछाई में है, कृष्ण वाली आत्मा के परछाई में है। कृष्ण से ज्यादा प्रभावित है या ज्ञान सूर्य से ज्यादा प्रभावित है? किससे प्रभावित है? चंद्रमा से प्रभावित है। तो जो कन्याओं माताओं में मुखिया है वो ही चंद्रमा से प्रभावित हो गई, तो दूसरी कन्या माताएं तो बड़ी सहज है। वो बच्चे से ही प्रभावित हो जाती है। तो चंद्रमा का प्रभाव कहो, परछाया कहो, वो कन्याओं माताओं के ऊपर, कन्याओं माताओं रूपी धरणी पर पड़ता है। तो जिन कन्याओं माताओं रूपी धरणी के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। अभी बीके में जो कन्याएं माताएं हैं वो किसके प्रभाव में? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में है। तो वो सूर्य को विकारों का ग्रहण लगा हुआ समझती है या चंद्रमा को धब्बे वाला समझती है? तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। सूर्य ही अगर प्रभावित हो जावेगा तो फिर ज्ञान को प्राय लोप कैसे कहेंगे? फिर तो पूरा लोप हो जाएगा या प्राय लोप होगा? क्या होगा? पूरा ही लोप हो जाएगा। बाबा ने तो ये ज्ञान प्राय लोप होता है, पूरा इसका लोप नहीं होता। ऐसे ही चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, कन्या माता रूपी धरणी बीच में आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया किसके ऊपर पड़ता है? चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। और चंद्रमा का वो हिस्सा अंधेरे में आ जाता है, उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। तो कन्या माताएं चंद्रमा से प्रभावित होती हैं और चंद्रमा किससे प्रभावित होता है? कन्या माताओं से प्रभावित होता है। बाकी सूर्य के प्रभावित होने की बात है ही नहीं, वो तो आदि से लेकर के अंत तक आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है। आदि में भी विष्णु रूप था जब सृष्टि का आदि हुआ, जो आदि में सो अंत में भी विष्णु रूप होता है। इसलिए शिव बाप को उसी का आधार लेना पड़े। बाबा शास्त्र में जो भी नाम आते हैं वो काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं, तो हनुमान और नारद किस काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं? नार माने ज्ञान जल है, अद्दा माने देने वाला,
जो सिर्फ ज्ञान को दान करता है तीनों लोकों में, लेकिन स्वयं धारण नहीं करता है, वो नारायण नहीं बनता है, नारद बनता है। तो एक बार हनुमान का मुंह दिखाया था उसने बंदर का, क्या नारद को भी एक बार बंदर का मुंह दिखाया? हाँ, वो तो जैसे किसी को चेहरा चढ़ा दिया जाता है तो चेहरा चढ़ाने से वो बंदर थोड़ा ही हो जाता है, वो मुखौटा हटाया और असली आ जाएगा। और हनुमान किस आधार पर हनन? जो मान मर्तवे का हनन करता है उसको हनुमान कहते हैं। रावण के अंदर मान मर्तबा भरा पड़ा था कि नहीं? मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे मुकाबले कोई भी नहीं। इस मान मर्तबे को किसने हनन किया लंका में आग लगा के? हनुमान ने लंका में आग लगाई, मान मर्तबा सब खलास हो गया। हनुमान स्वयं का मुंह भी चेहरा दिखाया बंदर से। हाँ, तो क्या है, आग कैसे लगाई? काम विकार की आग लगाई या दूसरी कोई आग लगाई? कौन सी आग लगाई? हनुमान की पूंछ देह अभिमान की पूंछ है, उसमें लंका के वस्त्र बांधे गए, जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो कन्या माता रूपी सारे वस्त्र उस पूंछ में बांध दिए गए और उसमें तेल डाल के आग लगा दी। वो तेल घी था या तेल था? तेल था। तेल की ज्यादा कीमत होती है या घृत की ज्यादा कीमत होती है? घी की कीमत होती है, तेल की उतनी कीमत थोड़ी ही होती है। तेल तो अशुद्ध चीज है, उसको शुद्ध किया जाता है तो रिफाइंड ऑयल बनता है। तो तेल डाल और जितने भी हैं उसमें वस्त्र, सुंदर सुंदर कन्या माताओं रूपी वस्त्र, वो सब उस पूंछ में लपेट दिए गए और फिर काम विकार की आग लगा दी। फिर क्या हुआ अजूबा? क्या हुआ? सारी लंका जल गई और पूंछ बच गई। उसको कहते हैं बंदर की पूंछ। अभी ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जो दुनिया के बड़े बड़े आदमी हैं, जब उनकी कन्याएं माताएं भागेंगी धर के छोड़ छाड़ के, तो मान मर्तबे से आंख नाक कटेगी या रह जाएगी? कट जाएगी, सारा मान मर्तबा धरा रह जाएगा। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होता है, फिर बेसिक ब्राह्मणों में होता है, फिर बाहर की दुनिया में भी होगा। बाढ़ी पूंछ की इनका भी खेला, क्या पूंछ बढ़ती ही जा रही है, घट रही है? कितने वस्त्र बांधे जाते हैं?